मेरे सामने खड़ी है मारुति की ऑल न्यू स्विफ्ट। और ये ऑल न्यू स्विफ्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, बट इसके अंदर आया है एक मेजर अपडेट। और वो मेजर अपडेट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये सीएनजी का स्टिकर, मारुति की स्विफ्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी उसके अंदर मारुति ने सीएनजी का वेरियंट निकाल दिया है फाइनली। और ये है इसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव लुक। इस सीएनजी वेरिएंट के साथ मारुति ने इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ अपडेट्स किए हैं। और वो अपडेट क्या है, सबसे पहले मैं स्ट्रेट अवे उस अपडेट्स की तरफ ले जाता हूँ, बाद में मैं इस गाड़ी का पूरा डेमो आपको दूंगा। सबसे बड़ा जो मेजर अपडेट है वो आपको देखने को मिलता है रियर राइट साइड पे, राइट आफ्टर दी बम्पर, और वो है ये एक ब्लैक कलर का कैप। अब इस ब्लैक कलर के कैप में क्या इंटरेस्टिंग बात है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको एक लॉकेबल कैप सीएनजी फिलिंग पॉइंट का। यानी जो क्रिटिसिज्म और जो पहले चैलेंज मारुति के सीएनजी कार के स्विफ्ट के यूजर्स का था वो अब नहीं रहा है। इसका जो फिलिंग पॉइंट है अब ये लॉकेबल कैप के साथ आता है और ये सिंपली आप ओपन कर सकते हैं। ये रहा इसके कैप का लुक और ये है सीएनजी का फिलिंग पॉइंट। साथ ही में आपको मिल जाती है कंप्लायंस प्लेट। और जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मेजर अपडेट है मारुति ने अपनी स्विफ्ट के साथ लॉन्च किया है, सेम वही अपडेट जो इन्होंने कुछ टाइम पहले अपनी फ्रॉन्क्स में किया था। और वो अपडेट है अभी आपको दिखाता हूँ इस बूट के अंदर। और ये मिलता है आपको सीएनजी प्लेसमेंट का पहला लुक। बट अभी ध्यान से बैठिए अपना दिल थाम के, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखने वाला है एक शॉकिंग अपडेट, यानी कि देयर इज़ नो स्पेयर व्हील। मारुति ने अपनी गाड़ी स्विफ्ट में स्पेयर व्हील को रिप्लेस कर दिया है एक बहुत ही छोटे से इंटरेस्टिंग फीचर के साथ। और वो इंटरेस्टिंग फीचर छुपा हुआ है यहाँ कोने में, राइट ऑन द बैक ऑफ दिस सीएनजी सिलेंडर। अब ये छोटा सा अपडेट क्या है और ये छोटा सा फीचर क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। दो छोटी छोटी बेल्टों को आपको खोलना है और इसमें से हम निकाल लेते हैं ये जादुई पिटारा, और इसमें से निकाल लेते हैं हम ये जादुई पिटारा, और उस जादुई पिटारे को रख देते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं इस जादुई पिटारे में क्या है जो कि इस स्पेयर व्हील की रिप्लेसमेंट है। और जैसा कि आपको लग रहा था इस स्पेयर व्हील की रिप्लेसमेंट है अब ये पंचर किट टायर इन्फ्लेटर इंक्लूडिंग दिस सोल्यूशन। इस सॉल्यूशन को, जैसा कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इस सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे फिक्स करना है इस तरीके से। इस सॉल्यूशन को ओपन करके आपको यहाँ पे फिट करना है और सिंपल इस नोजल को कनेक्ट करना है टायर की नोजल के साथ। सॉल्यूशन है वो एयर लीकेज जो पॉइंट है उसको बिल्कुल सील कर देगा और आपकी एयर नहीं निकलेगी। और उसके बाद जब भी आपको पंचर की दुकान मिलती है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये शॉकिंग अपडेट है मारुति की तरफ से, पंचर किट रिप्लेस बाय स्पेयर व्हील। और जैसे कि मारुति की सारी गाड़ियाँ आती हैं ऑटो शट ऑफ वॉल्व के साथ, और यहाँ पे देखिए यही पाइप सिंपली इन्होंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ बाहर से। सो इसका रीज़न ये है कि यहीं से सिंपल फिलिंग हो जाएगी। और ये पूरा सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट, और ये है गाड़ी का फ्रंट लुक। सामने ब्लैक कलर की ग्रिल, ये टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है। मारुति ने इसमें VXI और ZXI वेरिएंट में CNG का वेरिएंट निकाला है। और ये अट्रैक्टिव हेडलैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, नीचे है फॉग लैम्प्स, और सामने फ्रंट से आपको दिखती है इसकी ग्रिल। मारुति का जो लुक है वो हमेशा से ही अट्रैक्टिव रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी साइड प्रोफाइल की, इस गाड़ी में कस्टमाइज अलॉय व्हील लगे हुए हैं, तो सिंपल टर्न इंडिकेटर एंड ओवर विंग्स आ गए। आपके बॉडी कलर साइड हैंडल्स हैं, तो कोई मेजर अपडेट नहीं है। ये आपका आ गया पेट्रोल का फुलिंग टैंक का लिड। आइए चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सेफ्टी फीचर है जो पहले कभी गाड़ियों में नहीं आता था। ये गाड़ी है मैनुअल और इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्लच प्रेस करनी पड़ेगी। यानी अगर बाय मिस्टेक अगर ये गाड़ी गियर में एंगेज है तो एक्सीडेंट ना हो और गाड़ी आगे की तरफ ना प्रोसीड करे, तो आपको क्लच प्रेस करनी है और फिर ये गाड़ी को स्टार्ट करनी है, अदरवाइज़ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये है इस गाड़ी का पहला फ्रेश लुक। फ्रेश तो क्या है बट ये सीएनजी वेरिएंट का लुक है। सामने आपको मिल जाता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो। ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
और जैसा कि आप ध्यान, यहाँ पे मिल जाता है आपको सीएनजी के फ्यूल बार और ये है पेट्रोल का बार। सो ये आपको एक काफ़ी कन्वीनियंट फीचर मारुति ने ऑफ़र किया है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सीएनजी टू पेट्रोल और पेट्रोल टू सीएनजी का कन्वर्जन स्विच। सो अगेन इसके अंदर भी तीन फीचर आते हैं। गाड़ी सिंपली सबसे पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, थोड़े टाइम के बाद आफ्टर व्हेन द इंजन गेट्स वार्म अप ये सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो ये आप इसको प्रेस करके रखेंगे करीबन 5 सेकंड तक और ये गाड़ी स्टार्ट भी आपकी सीएनजी पे ही होगी और गाड़ी चलेगी भी सीएनजी पे। देखिए अब मैं इसके सामने, अगर आप अभी देख रहे होंगे पेट्रोल की तरफ, ये पेट्रोल का इंडिकेशन आ रहा है और अगर मैं इसको 5 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ तो ये सीएनजी पे कन्वर्ट होगी। ये देखिए अब ये सीएनजी पे ही स्टार्ट होगी और सीएनजी पे चलेगी। और देखिए बहुत अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है रियर पैसेंजर के सीट बेल्ट का, लेफ्ट टू राइट तीनों पैसेंजर्स, जैसा कि गाड़ी में मारुति ने अब ये एक कंप्लायंस हो गया है सेफ्टी फीचर, पांचों सीट बेल्ट का इंडिकेशन। स्टेयरिंग पे आपको कुछ मैंडेटरी कंट्रोल जैसे वॉल्यूम और मोड के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो एसी, गाड़ी के अंदर ऑटो एसी आपको जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पे वही आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट और ये यूएसबी पोर्ट, ये दोनों चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। बहुत बेसिक सा इंटीरियर है ये देखिए। और यहाँ पे आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक विद क्रोम टिप, ये मैनुअल गियर्स मिल जाते हैं आपको, फैब्रिक सीट्स हैं, कंप्लीट ब्लैक फिनिश है और बीच में आपको मिल जाता है एक थोड़ा सा टेक्सचर वाला फिनिश। और जैसा कि मारुति ने फ्रॉन्क्स में किया था, इस गाड़ी के अंदर भी आपको मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अब ये सीट पे भी आपको SRS एयरबैग्स मिल जाता है और साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं कर्टन एयरबैग्स। ये देखिए SRS एयरबैग्स, ये कर्टन एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको और ये मिल जाते हैं साइड एयरबैग्स। और गाड़ी में ऑलरेडी फ्रंट के 2 एयरबैग्स तो हैं ही, तो गाड़ी बहुत सेफर हो गई है। और फ्रॉन्क्स के टाइम पर भी लगा था, स्पेयर व्हील को रिप्लेस करके इन्होंने 6 एयरबैग गाड़ी में आपको दे दिए हैं। और एडिशनल सेफ्टी फीचर में आपको मिल जाता है हिल होल्ड असिस्ट, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS विद EBD, हाईटेक प्लेटफॉर्म है मारुति का और बच्चों की सेफ्टी के लिए आइसोफिक सीट। अगर मैं दरवाजों की बात करूँ तो क्रोम इनर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सेम वही जो सारी गाड़ियों में मैंडेटरी कंट्रोल्स आते हैं, बॉटल होल्डर मिल गया, ये आपका मैगजीन होल्डर हो गया, ये थोड़ा सा कॉइन और की के लिए हो गया है और इस तरह की कुछ की मिल जाती है आपको। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और यही सेम 2 कीज़ हैं जिससे कि आपके सारे डोर के और बाकी सारे लॉक्स ऑपरेट होते हैं। गाड़ी का रियर का लुक कुछ ऐसा है। पीछे आपको डिफॉगर मिल जाता है, ये क्रोम का ग्लॉसी सुजुकी का लोगो, ये स्विफ्ट लिखा हुआ है और ये मल्टी रिफ्लेक्टर टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं। पीछे मिल जाते हैं आपको सेंसर्स, गाड़ी के 4 सेंसर्स हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और ये आपको एंटीना मिल जाता है गाड़ी के अंदर। रियर के डोर का लुक कुछ ऐसा है, क्रोम प्लेटेड क्रोम डोर हैंडल्स और वही 1 लीटर की बॉटल का होल्डर जो कि आई डाउट कि इसमें आ सकती है। और जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट का कंप्लाइंस है, इंजी गाड़ियों के हर गाड़ी के साथ एक आपको मिलता है फायर एक्सटिंग्विशर जो कि को ड्राइवर सीट के नीचे है, हर गाड़ी CNG गाड़ी में आपको मिलेगा। ये मारुति की स्विफ्ट CNG आती है डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपनी पसंद की कलर की चॉइस। जेट सीरीज इंजन के साथ ये गाड़ी आती है और सामने है आपकी स्पेसिफिकेशन इंजन की और ये है फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की।